हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदर नेचर। सर दर्द एक आम समस्या है आजकल। ज़्यादा देर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से सबको होता रहता है ये। इसके अलावा कोल्ड या फिर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी ये हेडेक होता रहता है। आज मैं आपको सर दर्द कम करके माइंड को रिफ़्रेश करने वाला एक रेमेडी बताऊंगी, जिसका नाम है लेमन ग्रास टी। ये लेमन ग्रास टी क्या होता है? लेमन ग्रास एक घास जैसा दिखने वाला पौधा है, जिसकी लंबाई घास से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये शरीर को तनाव से मुक्ति देता है और इम्यूनिटी बूस्ट करके रिफ़्रेश करता है। लेमन ग्रास टी को दो तरह से बनाया जाता है। दोनों ही रेमेडीज़ का अलग अलग बेनिफिट्स है। पहला वाला को दूध में डालकर चाय जैसे बनाते वैसे बनाया जाता है और दूसरा में दूध नहीं डाला जाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिल्क वाले चाय के साथ लेमन ग्रास को कैसे लिया जाता है वो बताऊँगी। ये लेमन ग्रास घास जैसा दिखने वाला एक पौधा है, जिसकी लंबाई घास से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी महक बिल्कुल नींबू जैसा ही होता है। इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। लेमन ग्रास चाय बनाने के लिए इधर हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। इसको हमने गैस के ऊपर रख के गर्म कर दिए और इसके अंदर डाले 1 कप पानी। हमें 6 कप्स बनाने थे ये लेमन ग्रास टी, इसीलिए हमने 1 कप पानी लिया। पानी को थोड़ा सा बॉईल होने के लिए देते। अब उसमें डालेंगे ये काले मिर्च। थोड़े से काले मिर्च को कूटकर या फिर आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसमें डालेंगे 1 अदरक। अदरक को भी कूटकर डाल देते हैं। अदरक और ये काले मिर्च अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद उसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच चाय पत्ता। अब तीनों को अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे 5 कप मिल्क। एक कप के लिए हमें 2 लेमन ग्रास चाहिए, क्योंकि मुझे इधर 6 कप्स बनाने थे, इसीलिए मैंने इधर 12 लेमन ग्रास लिया है। उसको अच्छी तरह से धो के फिर इसको थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। लेमन ग्रास को आप ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 1-5 मिनट के अंदर ही उसको निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा पकने से उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा आ सकता है। लेमन ग्रास के ये चाय को बार बार गर्म करके नहीं पीना चाहिए। हमने ले लिया है कप में शुगर और इसमें डाल दिया है। अभी मिक्स कर देंगे और रेडी है हमारा लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी का दूसरा रेसिपी मैं आपको और किसी वीडियो में शेयर करूंगी। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो आपको वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने घर पर इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।